बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं बाबू सिंह चौधरी। तो बेटे आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सेवन्थ का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है पोषण क्या होता है। तो बेटा इस चैप्टर को वैसे आसानी पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है और आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो पोषण क्या होता है, वे अवयव जो भोजन में हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। मैं दोबारा बोल के बता रहा हूँ बेटा, वे अवयव जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं बेटा, पोषण के अवयव कहलाते हैं। और इस क्रिया को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं बेटा इस क्रिया को, पोषण कहते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि जो मनुष्य को एक दिन में लगभग 2400 कैलोरी बेटा, कितना बेटा 2400 कैलोरी तक आपको क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। ये क्या बेटा, हमारी एक सीमित खाना है। और वो मादा के लिए जो औरतें होती हैं उनके लिए कितना, 2100 कैलोरी। अब आप देखो कि ये 2400 कितना है 2100। क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि इतना हमें डेली अगर खाना मिलेगा ना तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे हमारे लिए क्या बेटा पूरा पोषण मिल रहा है। क्योंकि बेटा 2400 कैलोरी तभी बन पाएगी तब एक खाने में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अवयव और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तभी क्या बनता है बेटा पोषण बनता है। और जब अच्छा पोषण होता है तो हमारे शरीर में अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। जो खराब पोषण होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक दिन में कभी कभी क्या है कि हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो उसी दिन बेटा हमारे शरीर में क्या आलस आने लगता है। और जब शरीर में आलस आता है तो वो बेटा हमारे पोषण का अवयव नहीं है। तो मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। तो जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा, एक विषमपोषी एक ऐसा है स्वपोषी बेटा, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, क्या होता है वे स्वपोषण प्रक्रिया जिसमें जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बेटा, प्रकाश की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं बेटा। और इस क्रिया को कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं स्वपोषी। एक होता है बेटा विषमपोषी, क्या होता है विषमपोषी। पेड़ पौधे जो और दूसरे पेड़ पौधे पर क्या रहते हैं बेटा निर्भर रहते हो, विषमपोषी कहलाते हैं। और इनमें जो तत्व पाए जाते हैं क्या कहते हैं विषमपोषी कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिए दो प्रकार क्या होते हैं बेटा पोषण होते हैं। एक अपना होता है स्वपोषण जिनमें जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश की क्रिया के माध्यम से खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषण। और विषमपोषी या विषम पोषण उन्हें कहते हैं जिनमें जो प्रकाश पेड़ पौधे होते हैं वो दूसरे पेड़ पौधे में कार्य रहते हैं निर्भर रहते हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं हम विषम पोषण कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था पादप कोष के बारे में। अब पादप कोष का बताया था बेटा इसमें केंद्रक होता है। मैं फिर से आपको आज बता दे रहा हूँ ये क्या है पादप कोष का है, आपके लिए बड़ा नया टॉपिक है पादप कोष का। पादप कोष का है, क्या बेटा ये पादप कोष का। ठीक है बेटा, और पादप कोष को हमें जो केंद्रक होता है ना वो होता है बेटा किनारों पर। कहाँ पर होता है किनारों पर। तो मैं आपको एक चित्र बना रहा हूँ बेटा, ये आपकी जंतु कोष का। कौन सी बेटा जंतु कोष का। ये क्या आपकी जंतु कोष का है।
और जंतु कोशिकाओं के केंद्र को होता है बेटा वो कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है, सेंटर होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका और सबसे पहले कोशिका की जो खोज की गई थी वो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। तब बेटा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किसकी खोज की गई थी, कोशिका की खोज की गई थी। अब ये जो कोशिका थी ना बेटा वो मृत कोशिका थी। कौन सी थी? मृत कोशिका। जब कोशिका जीवन क्या आता है मृत की खोज हो चुकी थी तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वैज्ञानिक होते ल्यूबनॉव। कौन होते बेटा? ल्यूबनॉव। ल्यूबनॉव नाम के एक साइंटिस्ट होते, उन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसी जीवाणु में, किसने बेटा? जीवाणु में सबसे पहले खोज की थी बेटा, ठीक है ना। अब केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है बेटा। ये जो इसमें क्या क्या होता है, कोशिका द्रव होता है कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका की आकृति होती है। कोशिका की आकृति बेटा चपटी भी हो सकती है, गोलाकार हो सकती है और बेटा त्रिभुजाकार भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है। अब ये जो कोशिका होती है ना ये सबसे बड़ी कोशिका थी वो थी बेटा शुक्रमृग का अंडा, जिसे हम कह सकते हैं वो शुक्रमृग के अंडे में जो पीली जर्दी होती है वो क्या होता है बेटा अपना सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है बेटा किसका? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि बात किसकी बेटा, अपनी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के साथ में। पादप और कोशिका के लिए प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं बेटा, है ना। मैं भी आपको मैंने बताऊं कि जो आपने देखा होगा इस पादपों में क्या होती है, पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों में रंध्र होते हैं बेटा, और उन रंध्रों के सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, कैसे बेटा? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद क्या है, खुद का भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? खुद भोजन बनाते हैं। और भोजन बनने के बाद क्या बनती है? O2 बनती है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम जो लेते हैं वो क्या होती है? अपनी ऑक्सीजन होती है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक जो पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों की जो पत्तियों में क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है बेटा? हरी होती है। आप सबसे पूछे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं तो आप बताओ क्लोरोफिल। क्या बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती है बेटा, ध्यान रखना। जैसे और भी पीड़ा वर्णक होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती है बेटा? पीली होती है। कैसी होती है? पीली। तो पीली होती है बेटा वो होती है निकोटिन कारण बेटा, कैसे कारण? निकोटिन, ठीक है ना। अच्छा आपने देखा होगा कि जो टमाटर होता है उसका लाल रंग कैसे होता है बेटा? तो लाल रंग होता है लाइकोप्रिन। क्या बेटा? लाइकोप्रिन एक वर्णक होता है जिससे क्या बेटा जो टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। पेड़ पौधे होते हैं ये पेड़ पौधे प्रकाश क्रिया में कहाँ पर बेटा? ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश क्रिया में एक क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और CO2 O2 गैस बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं बेटा। क्या करते हैं? खुद का भोजन बना सकते हैं, ठीक है ना। इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियों में खाना वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषण में होता है, क्योंकि कार्बन संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए
इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः आप हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाशित करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल बना लेगा और सूर्य का प्रकाश है क्लोरोफिल है और कार्बोहाइड्रेट का सबसे बनती है, ठीक है ना। इसकी जो क्रिया बनती है बेटा वो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल बेटा और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या बनती है, फोटो बनती है, ठीक ना बेटा। तो मैं बताऊं CO2 प्लस H2O, ठीक है बेटा। यहाँ क्या डालेंगे हम, क्लोरोफिल डालेंगे, प्रकाश डालेंगे सूर्य का प्रकाश, कहलाते हैं विषमपोषी कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे बेटा अमरबेल,
क्या बेटा, अमरबेल नामक जो हो जो पादप होता है, पौधा होता है, वो एक बेल होती है, वो दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़कर अपना भोजन संचय करती है। वो दूसरों पर निर्भर रहती बेटा, वो अपना भोजन नहीं बनाती है। वो किसी पेड़ पौधे पर चढ़कर उनके खनिज लवणों को, उनके पानी के संचय क्रिया को उनको द्वारा ग्रहण की जाती है। अगर और उनको सींच कर खुद का अपना पेट भरती है, खुद को हरा भरा बना के रखती है, वो क्या कहलाती है बेटा, अमरबेल कहलाती है। और जो अमरबेल होती है वो किस श्रेणी में आती है बेटा, वो विषम पोषक में आती है। अर्थात बेटा ये दूसरे पौधों पर क्या है, निर्भर है। आगे बात करते हैं प्रतिजीवी क्या होती है बेटा। पौधे जो बेटा मृत होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के टेस्टिकल होते हैं, या हम जो लकड़ियां होते हैं उनको काट कर पटक देते हैं, या फिर और जो हमारी विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती है जो खराब हो जाती हैं, तो उनमें जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृत जीव कहलाते हैं। और ये जो जीव होते हैं वो और क्रियाओं में उन पौधों को क्या कर लेते हैं बेटा, मृत जीव कर सकते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अपना तनों या छालों पर छाते के समान संरचना के पीछे भी आपने देखा होगा। आइए देखेंगे कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार पोषण की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ब्रेड या डबल रोटी अनेक थोड़ा लेकर इसे जग में भिगो दो और इसे किसी नमे एवं पोषण स्थान पर दो तीन दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक करके जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई न दे। सफेद धारे घोड़े अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। इस आवर्तन लेंस अथवा सूर्यदर्शी को चाचा से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रशिक्षण द्वारा आप देखेंगे कि यह जीव कवक या फैले हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, कवक या फैले हो सकते हैं। आप जो डबल रोटी जो ब्रेड आती है ना, उसको पानी भिगोकर दो तीन दिन किसी उष्ण जहाँ ताप रहता हो वहाँ रख देंगे और दो तीन दिन बाद देखेंगे बेटा उस पर कुछ रूनुमा धागे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रूनुमा धागे बन जाएंगे। और ये जो रूनुमा धागे होंगे इन्हें कवक या फंजाई कहेंगे। ये किसमें आते हैं, मृतजीवी में आते हैं। ठीक है बेटा, जानते हैं बेटा कैसे लगी, अच्छी लगी होगी, मेरे को बताना।